ढेर सर कॉमर्स क्लासेज में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो वीडियो है बहुत ख़ास है। हमारे पास जो आज की वीडियो तैयार होने जा रही है, ये बुक आपके सामने ये है, डबल एंट्री सिस्टम बुक कीपिंग की बुक वॉल्यूम फर्स्ट, टीएस ग्रेवाल, क्लास 12, चैप्टर फर्स्ट, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 77, इससे पहले वाले सभी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर चुके हैं और 76 प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, जिसकी वीडियो अपलोडेड है उसको आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। 77 क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है, किस तरह से एक मैनेजर जिसको हम बाद में पार्टनर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और पार्टनर बनाने के बाद और पार्टनर बनाने से पहले जब वो मैनेजर था, तो दोनों के बीच में जो उसको मिलने वाली राशियां हैं, जो मिलने वाली रकमें हैं, उन रकमों में कितना फ्लक्चुएशंस यानी कमी या बढ़ोतरी होती है, उसका भुगतान, उस डेफिशिएंसी अमाउंट का भुगतान कौन करेगा, कौन उसको पेमेंट करने की जिम्मेदारी लेता है, उसको हम पढ़ेंगे। मौजूदा समय में इस वक्त हमारे पास जो प्रॉब्लम है 77, उसमें क्वेश्चन है ए एंड बी आर पार्टनर, दो पार्टनर होते हैं ए एंड बी, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 है, और उन्होंने डिसाइड किया सी को, एक जो कि उनका मैनेजर है उसको उन्होंने पार्टनर बनाने के बारे में सोचा है 1 अप्रैल 2017 से, और उसको 1/5 शेयर देने के बारे में इन्होंने प्लान बनाया है। जब वो मैनेजर था मिस्टर सी, तो उस वक्त उसको 50,000 रुपये सैलरी प्लस कमीशन मिलता है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। इट वाज आल्सो एग्रीड, यह भी सहमति हुई है कि दैट इन एक्सेस अमाउंट विच सी रिसीव्ड एज ए पार्टनर ओवर हिज सैलरी एंड कमीशन विल बी बोर्न बाय ए। इसका मतलब है जब मिस्टर सी एक मैनेजर होते हैं, तो जब मिस्टर सी एक पार्टनर होते हैं, तो दोनों कंडीशन में अगर कोई भी रकम ज़्यादा या कम होती है, तो ज़्यादा वाली रकम से कम वाली रकम कितनी ज़्यादा है, उसका डिफरेंस मिस्टर ए ने कहा उसको मैं बोर्न करूँगा, बियर करूँगा, यानी कि उसको मैं सहन करूँगा, मैं अपनी तरफ से दूँगा। 31 मार्च 2018 को उनके पास प्रॉफिट 6,44,000 यानी 6,44,000 रुपये है। बिफोर पेमेंट ऑफ सैलरी एंड कमीशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि मिस्टर ए एंड बी जो कि दो पार्टनर हैं, उन्होंने ये कहा कि हम सी को पार्टनर बनाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिए, अगर अच्छा समझना है तो, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 77 ही है, अपनी बुक में मिलान कर लीजिएगा, फिर आगे हम बढ़ते हैं और देखेंगे किस तरह से मिस्टर सी को पेमेंट की जाने वाली राशियां तय की जा रही हैं। जब वो मैनेजर होते हैं तो उनको क्या मिलता है। जब हम यहाँ लिखेंगे अमाउंट पेबल टू सी एज मैनेजर, जब मिस्टर सी एक मैनेजर होते हैं, तो उनको हम कौन सी रकम और कितनी रकम पेमेंट करेंगे। सबसे पहले नंबर पे है उनको सैलरी मिलेगी, सैलरी की रकम है 50,000 रुपये, और उनको दी जाएगी कमीशन, कमीशन का भुगतान भी उनको मिलेगा, लेकिन कमीशन के बारे में ये कहा गया है कि जो कमीशन प्राप्त होगा मिस्टर सी को 6,44,000 यानी 6,44,000 की जो प्रॉफिट है फर्म में प्राप्त हुआ है उनको, ए और बी को जो 6,44,000 का प्रॉफिट प्राप्त हुआ, उसमें से 50,000 रुपये सैलरी काट दिया जाएगा -50,000। उसके बाद जो बचेगा उसका 10/110 यानी 10/110, क्योंकि आफ्टर की सिचुएशन लगा हुआ है, तो आफ्टर की सिचुएशन का नियम है, अगर बिफोर है तो 10/100, अगर आफ्टर है तो 10/110। तो यहाँ पर हम 6,44,000 रुपये में से 50,000 रुपये का अगर उनका हम सैलरी माइनस कर देते हैं, तो जो रकम प्राप्त होगी उसका हम 10/110 करेंगे। इसकी जो कैलकुलेशन करके आएगी वो आएगी 54,000,
इस प्रकार से मिस्टर सी को मैनेजर के तौर पर जब वो मैनेजर की तरह ट्रीटमेंट होता है उनका, तो 104,000 रुपये का पेमेंट पाने के वो हकदार हैं। इसके बाद अमाउंट पेबल एज पार्टनर, हम देखते हैं मिस्टर सी को पार्टनर कितना रुपया मिलेगा, क्या मिलेगा। भाई जब पार्टनर है तो पार्टनर बनने के बाद उस बंदे को टोटल प्रॉफिट 6,44,000 का है, उसमें उसका हिस्सा 1/5, 1/5। 1/5 हम काटेंगे और मिस्टर सी को देखेंगे कि मिस्टर सी का हिस्सा कितना बैठता है। 1,28,800 रुपये मिस्टर ए का पेमेंट बन रहा है। इसका मतलब ये है कि मिस्टर ए को पार्टनर अगर बनते हैं तो उनका पैसा ज़्यादा बनता है। इसका मतलब मिस्टर ए का पेमेंट जब वो मैनेजर हैं तो कम है, लेकिन जब वो पार्टनर हैं तो ज़्यादा है। अब वो रकम अगर वो पार्टनर हैं तो ज़्यादा है तो कितना है, यहाँ पर लिखते हैं डेफिशिएंसी, जिसको मिस्टर ए ने कहा था मैं खुद दूंगा, डेफिशिएंसी ऑफ सी 1,28,800 - 1,04,000। जब वो मैनेजर हैं तो उनको मिल रहा है 1,04,000 रुपये, जब वो पार्टनर हैं तो 1,28,800, तो कितने रुपए फालतू हो रहे हैं यहाँ पर, 24,800 रुपये। यानी कि मिस्टर ए को 24,800 रुपये सहन करने पड़ेंगे, बलिदान देना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से मिस्टर ए को जो प्रॉफिट मिलेगा उनकी प्रॉफिट में से 24,800 रुपये कम हो जाएंगे। तो बंटवारा कैसे करेंगे, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आप। यहाँ पर हमारा जो है, यहाँ वर्किंग कर रहे हैं हम, ये रहा, और यहाँ पर देखेंगे टोटल प्रॉफिट 6,44,000 रुपये, यानी 6,44,000। इस प्रॉफिट में से लेस अमाउंट एज मैनेजर, अमाउंट पेबल एज मैनेजर, जब मिस्टर सी एक मैनेजर होते हैं तो कितना रुपया पेमेंट होता है उनको, 1,04,000 रुपये। अब कितना रकम बचती है, यहाँ पर अमाउंट जो बच रहा है वो बच रहा है 5,40,000 रुपये। 5,40,000 को ए एंड बी 2:1 रेशो में बांटेंगे। ए 5,40,000 इंटू 2/3, मिस्टर ए का पेमेंट होता है 3,60,000 रुपये, बी का पेमेंट होता है 5,40,000 540,000 × 1/3, इनका पेमेंट होता है 1,80,000, 1,80,000 रुपये। मिस्टर ए ने यही कहा था कि मैं अपना पेमेंट जितना भी मुझे मिलेगा, मैं अगर मिस्टर सी की किसी प्रकार की कमी होती है तो मैं खुद उसको जो है बियर करूँगा, खुद मैं उसको जो है सहन करूँगा, खुद मैं अपने हिस्से में से दूंगा। तो कितना रुपया देंगे, 24,800। तो जहाँ पर प्रॉफिट हम बांटेंगे, अब आपने कैलकुलेशन देख लिया, हमें मिटाने की ज़रूरत है, इसको हम रफ करेंगे तो आप बताएंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पूछा गया है तो कैसे तैयार किया जाएगा। वर्किंग तो आपने क्लियरली देख लिया, ये भी देख लिया कि इनको कैसे कैसे पेमेंट होगा, लेकिन यहाँ पर मिस्टर ए को जो पेमेंट होगा उसमें से 24,800 रुपये कट जाएंगे, यानी कि प्रॉफिट शेयर ऑफ ए इक्वल टू मिस्टर ए का 3,60,000 आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें से 24,800 यानी 24,800 रुपये निकल जाएगा। तो मिस्टर ए का हिस्सा 3,35,200 रुपये पेमेंट किया जाएगा। यहाँ पर यह रकम मिस्टर ए के हिस्से की है, जबकि बी का हिस्सा 1,80,000 ज्यों का त्यों ही बना रहेगा। तो अब जब हम पार्टनर्स
फर्म के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जब बनाएंगे तो उसको किस तरह मेंटेन करेंगे, अब उसको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर इसको यही रखा है, अभी यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इस तरह से बनाया जाएगा। ये जो फॉर्मेलिटीज हैं पार्टिकुलर्स रुपीज की, इनको जरूर लिखिए। और यहाँ पर पार्टिकुलर्स रुपीज लिखने के बाद बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6,44,000 रुपये, और यहाँ पर लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एच कैपिटल अकाउंट, बीच कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। ए को मिलेगा 3,35,200, यहाँ लिखेंगे 3,35,200 रुपये। बी को मिलेगा 1,80,000 रुपये, किसी प्रकार का समझौता नहीं होगा क्योंकि मिस्टर बी ने कोई गारंटी नहीं ली है, तो मिस्टर बी का उतना ही पैसा मिलेगा। मिस्टर सी को 1,28,800 रुपये प्राप्त होंगे क्योंकि मिस्टर जो सी का हिस्सा है उसकी गारंटी की पूर्ति किसने की है, मिस्टर ए ने की है। मिस्टर सी की गारंटी की पूर्ति मिस्टर ए ने की है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि हमने मिस्टर सी के हिस्से में से ए के हिस्से में से हमने यहाँ पर सी का हिस्सा 24,800 निकाल दिया, जो कि मिस्टर सी को मिल जाएगा ए के द्वारा। ए के यहाँ से माइनस होगा और सी के यहाँ पे प्लस हो जाएगा। जब हम यहाँ पर लिखेंगे वर्किंग, अगर आप दिखाना चाहेंगे सी शेयर आप प्रॉफिट करेंगे, शेयर आप प्रॉफिट, तो यहाँ आसानी से इसको 1,04,000 रुपये का पेमेंट बन रहा था कमीशन और सैलरी मिला के मैनेजर की तरह, 24,800 की कमी थी वो हमने यहाँ से माइनस किया और यहाँ पे प्लस कर दिया, तो इनका हिस्सा जो है 1,28,800 का पूरा हो गया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 77 था जिसको हमने ज़्यादा समय वेस्ट नहीं किया है, कम समय में बहुत ज़्यादा बताने की कोशिश की है। हालांकि अगर आपको नहीं, मतलब आप लोग अगर थोड़ा सा नहीं समझ पा रहे होंगे तो वीडियो को आगे पीछे करके भी समझ सकते हैं और रिपीट कर सकते हैं कई बार, तो आसानी से समझ में आ जाएगा। हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को आप पूरी तरह से शुरू से लेके एंड तक क्वेश्चन ज़रूर ढंग से पढ़िए। कभी कभी क्वेश्चन ना पढ़ने की वजह से सवाल समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, नहीं तो आप कहोगे बहुत बोर कर रहे हैं मास्टर जी, तो इसलिए हम इसको जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, शायद वो वीडियो आपके लिए अगली पसंद हो।